हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए टाटा टियागो की रिव्यू करने और ये रिव्यू बस इंटीरियर के लिए। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड कर देता हूँ चला के बाहर की। इसमें कुछ कुछ थोड़े पार्ट्स लगाए गए हैं, जैसे व्हील कवर, और ये टाटा टियागो की बेस मॉडल है। और अब हम आते हैं इंटीरियर पे, और आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं। पहले आप एक बार पूरा पहले गाड़ी को अच्छे से देख लें, और अब आते हैं हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी फंक्शंस पे। पहले आप देख सकते हैं इसका फ्लैट बॉटम हैंडल, जो कि बहुत ही अच्छा है, सुपीरियर क्वालिटी का है और आपको एक अच्छी लुक देते हैं। और उसके बाद आप आते हैं मीटर पे। मीटर देखिए, इसके मीटर देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर हम आते हैं इसके एसी। एसी आपको चार केबिन मिलते हैं एसी के, और ये इन बेस्ट इन क्लास रहती है। और फिर ये देख सकते हैं आप, सीट की क्वालिटी देख सकते हैं, सीट प्रीमियम क्वालिटी की एकदम सीट है, जो कि आगे भी टिल्ट हो सकती है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये पहले आगे पीछे हो सकती है, और फिर ये भी बैक पूरी जाती है, और ये फ्रंट भी आ जाती है आराम से। और फिर आप इसके दरवाजे को देख सकते हैं, इसके दरवाजे की ये हैंडल को देखिए, बहुत ही अच्छी प्यानो फिनिश है। और पर आपको इसमें बेस मॉडल है, इसके कारण आपको इसमें पावर विंडो नहीं मिलता है। आपको स्पीकर के लिए यहाँ पे जगह मिल जाती है, पर आपको स्पीकर नहीं मिलती है कोई। और आपको इसमें कोई डिस्प्ले नहीं मिलेगी, स्क्रीन डिस्प्ले पर आपको एसी मिल जाएगी, इसमें एसी की पूरी फंक्शन मिल जाएगी। और फिर देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्पेस है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी स्पेस है, और यहाँ पे भी आप मोबाइल रख सकते हैं। फिर यहाँ पे कप होल्डर के लिए स्पेस है, यहाँ डस्टबिन के लिए भी आप ये रख सकते हैं। फिर आप यहाँ देखिए, एक लाइट दी है यहाँ पे, और हैंडल उंडल सब चीज़ दिया हुआ है, हैंडल कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके मिरर को देख सकते हैं, ये भी मैनुअली एडजस्टेबल है। ये देख रहे हैं, यहाँ गिलास अपने आप देखिए घूम रहे हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, उधर के भी गिलास घूम सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे बोतल रखने के लिए जगह मिलती है, बोतल के लिए कैबिन देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको बोतल के लिए कैबिन मिलेगी। और अब हम चलते हैं बैक साइड में। बैक साइड की एक ये सोफा सेट टाइप की सीट है, कोई फोल्ड नहीं हो सकती है, मतलब फोल्ड हो सकती है पर ये कोई दो भाग में फोल्ड नहीं हो सकती है। और यहाँ पे आपको लेग स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, लेग स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठ सकते हैं। इसमें भी आपको देखिए, ये क्वालिटी देखिए सबसे अच्छी है, और इसमें पावर विंडो है, लेकिन आपको स्पेस सब चीज़ के लिए दिया हुआ है, बोतल होल्डर के लिए भी स्पेस है। और आप देख सकते हैं ये फोल्ड हो जाती है पूरी, ये देखिए ये पूरी फोल्ड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये पूरी फोल्ड हो जाएगी, आपको अच्छी खासी स्पेस और मिल सकती है अगर आप बस दो आदमी ट्रेवल करना चाहते हैं तो। और पीछे भी देखिए, टांगने के लिए जगह दी है, बूट स्पेस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है। रुकिए आपको मैं सीट के थ्रू दिखा देता हूँ, पूरा मत दिखाना, ये देखिए पीछे का खोलना पड़ेगा ना। बूट स्पेस भी देख सकते हैं, बूट स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी बूट स्पेस है कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके टेल लाइट भी देखिए, टेल लाइट भी बहुत अच्छे हैं, और पीछे का भी लुक देख लीजिए। और अगर आप इसमें अगर 50,000 रुपये अगर एक्स्ट्रा आप खर्चा कर देंगे, जो कि आपको खर्च करने होंगे, जैसे स्क्रीन में खर्च कर सकते हैं, फिर स्पीकर पे खर्च कर सकते हैं, और पावर विंडो और पावर लॉकिंग पे खर्च कर देंगे 50,000 रुपये, तो आपकी टॉप मॉडल जैसी ये कार हो जाएगी, जो कि आपको अगर जैसे टॉप मॉडल खरीदेंगे
तो आपको 2 लाख रुपए कम से कम आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे बेस मॉडल से। इसीलिए अगर आप इसको टॉप मॉडल में अगर बेस मॉडल लेके टॉप मॉडल करना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सुविधा होगी और पैसे की अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती है। और आप ये भी देख सकते हैं इसमें चाइल्ड सेफ्टी के लिए फंक्शन दिया हुआ है, जिसके बाद आप अगर अंदर से लॉक कर दिए तो उसके बाद अंदर से कोई आदमी खोल नहीं सकता है जब तक आप बाहर से नहीं खोलें। बस आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टाटा।